ఈశ్రమ్ కార్డ్స్ ఇస్తారు ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఈ ఈశ్రమ్ కార్డ్ ఏంటంటే ఇది ఒక ఇన్సూరెన్స్ కార్డ్ లాగా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ ఒకటి కవరేజ్ అవుతుంది ఫ్యూచర్లో వేరే స్కీమ్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది దీనికి ఎలిజిబిలిటీ ఏజ్ 16 to 59 ఇయర్స్ దీనికి కావాల్సినవి ఏంటంటే ఆధార్ కార్డు ఇంకొకటి బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఈ రెండు ఉన్నాయంటే మనకి ఈశ్రమ్ కార్డ్ అనేది వస్తుంది దీని ద్వారా చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరు చేయించుకుంటే ఎవరికైతే ఎలిజిబిలిటీ ఉందో ఫ్యూచర్లో చాలా లాభాలు ఉంటాయి అండ్ ఈ కార్డు ఫ్యూచర్లో ఇప్పుడు ఆధార్ కార్డ్ అయితే ఎలా అయిందో సేమ్ ఈ కార్డు ఉంటేనే మనకు వేరే స్కీమ్స్ కూడా శాంక్షన్ అవుతాయి मेरा नाम ज्योति है मैं असिस्टेंट लेबर ऑफिसर हूँ इन एसोसिएशन विद आदि गौर विप्रा समाज और साउथ जोन पीस एंड वेलफेयर कमेटी कोऑर्डिनेशन से हम लोग ई श्रम कैंप लगाए हैं यहाँ पर गंसी बाजार में एक ई श्रम कार्ड दे रहे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है इम्प्लीमेंटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो एंड ये कार्ड जो है इसके लिए एलिजिबिलिटी है 16 to 59 ईयर्स और इसके लिए आधार कार्ड बैंक बुक का जेरोक्स ज़रूरत है और वो दो है तो आपको ई श्रम कार्ड मिलेगा और ये और एक बात है कि जिसको भी इनकम टैक्स ईएसआई पीएफ कवर नहीं होता उन लोगों को ये ई श्रम कार्ड मिलेगा समाज और साउथ जोन पीस एंड वेलफेयर कमेटी के द्वारा तथा केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ई श्रम आवेदन शिविर दो दिवस से लगातार यहां पर आयोजित किया जा रहा है जिसमें लगभग अभी तक 200 से 300 लोगों ने इसका लाभ लेकर सभी लोग अपने आकर आवेदन दे रहे हैं और आवेदन देकर इसमें प्रस्तावित कार्य को सरकार द्वारा ही पदत्त टीम के द्वारा जो है इसको रजिस्टर्ड किया जा रहा है तथा यह रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के तरह से जो है इसमें हम रजिस्टर्ड हो सकते हैं और भविष्य में केंद्र तथा राज्य सरकार से द्वारा कई तरह की योजना वन नेशन वन कार्ड के जो मत पर चल रही है केंद्र सरकार इसके अंदर आगे आने वाले लोगों को बहुत काम आएगा ये कार्ड तथा अभी भी कोई तरह से अगर कोई आदमी को तकलीफ़ आ जाती है एक्सीडेंटल तरीके से कोई उनको हेल्थ के इश्यूज़ आ जाते हैं उन सारी चीज़ों के अंतर्गत 2 लाख रुपये केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा उनको प्रदत्त किए जाएंगे तो हम आप सब मीडिया भाइयों के थ्रू जितने भी चैनल्स तक ये बात लोगों तक पहुंच रही है यह केवल आदिगौड़ विप्र समाज के गायत्री भवन में ही नहीं हर बस्ती में हर एरिया में थोड़े थोड़े दिन में थोड़े अंतराल में लग रहा है आप सब लोग जाकर ई श्रम कार्ड की जहां पर शिविर लग रही है वहां जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड कराएँ इसके रजिस्ट्रेशन के कुछ नियम हैं अबाउ 15 to under 59 एज इसकी रेस्ट्रिक्शन है तथा जिनके पैन कार्ड और जो लेबर कास्ट से संबंध में रखते हैं जो भी जो दूसरे पर आश्रित रहकर कार्य करने वाले लोग हैं वह सारे लोग इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं और ये स्वीकार हो रहा है लगभग बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ लिया हम सबसे प्रार्थना करते हैं अधिक से अधिक इसके अंदर आवेदन कर स्वीकृति प्रदान करें तथा साउथ जोन पीस एंड वेलफेयर कमेटी हमारे ऑल जोन के प्रेसिडेंट श्री किशन शर्मा साउथ जोन प्रेसिडेंट मोहम्मद खाजाउद्दीन साहब तथा हम सब लोगों ने मिलकर यह बार बार अलेख खास कर चारमीनार मंडल के अंदर बहादुरपुरा मंडल के अंदर अलग अलग शिविर लगाकर लोगों को प्रोत्साहन करने का जो कार्य आदिगौड़ विप्र समाज और साउथ जोन पीस एंड वेलफेयर कमेटी के द्वारा लगातार किया जा रहा है अभी कितने कार्ड आपके पास रजिस्टर्ड हुए अभी रजिस्टर्ड कार्ड में हमारे कन लगभग 175 कार्ड जो है सो कल और आज में रजिस्टर्ड हुए हैं अभी भी मैं देख रहा हूँ अभी 3 बजे का टाइम था लगभग अभी पूरा होने वाला है फिर भी अभी 50 लोग और भी आकर ठहरे हुए हैं तो लगभग हमको ऐसा विश्वास है 235 कार्ड हम बना देंगे ये 2 दिन के शिविर में आज यहाँ पर हमारी टीम जो पूरी साथ दे रही है पीस एंड वेलफेयर कमेटी और आदिगौड़ विप्र समाज की ओर से श्री किशन शर्मा शेष कुमार गोयल पुरुषोत्तम गुप्ता गोपाल दास जी हमारे और अनिल कुमार ऐसे कर सारी टीम और हमारे श्रम कार्ड की जो टीम आई है ये सब लोगों के योगदान से ये कार्य हो पा रहा है।